हमारा भारतवर्ष, ध्यान दीजिए, हमारा भारतवर्ष वो रेलवे स्टेशन है जहां पर भैया ऐसा कंप्यूटर सिस्टम फिट है कि आप कहीं का भी टिकट ले लीजिए, कहीं का भी, जहां आपका मन पड़े। नरकों में जाना है तो नरक का टिकट मिल जाएगा, स्वर्ग में जाना है स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा, ठाकुर जी के बैकुंठ में जाना है तो वहां का भी टिकट मिल जाएगा। आपको कहां की यात्रा करना है वहां का टिकट आपको यहीं बैठे बैठे मिल जाएगा। हमें कहां जाना है, हमें अपनी यात्रा को स्वयं निश्चित करना चाहिए। जब प्रातःकाल घर से हम बाहर निकलते हैं तो भैया अपनी यात्रा को सोच समझकर पहले दिमाग में बिठा लेते हैं कि आज वहां जाना है, वहां काम करके फिर घर लौट कर आना है। और भैया हम लोग जीवन जिए चले जा रहे हैं, इस जीवन का कोई स्टेशन भी है कि यूं ही जीवन जिए चले जा रहे हैं। हमें अपने भैया गंतव्य का पता होना चाहिए। हम ये जीवन जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं? मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति कभी बिना प्रयोजन के अपने घर के बाहर नहीं निकलता, लेकिन हम जीवन जिए चले जा रहे हैं, इसका कौन सा लक्ष्य है? वो लक्ष्य हमारे हृदय में होना चाहिए। तो जहां पर भी आपको जाना है वहां का आपको यहां से टिकट प्राप्त हो सकता है। और सुंदर उपदेश दिया अंत में, परमहंस गति को प्राप्त हुए भगवान ऋषभ। इन्हीं की परमहंस वृत्ति का अनुकरण एक अरहन नाम के ऋषि ने किया, यहीं से जैन मत की स्थापना हो गई है। बड़े पुत्र भरत को सत्ता सौंपी इन्होंने, भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष हो गया। आसीत देनेदम भारतम इति व्यवदिशन्ति। एक दिन राजा भरत भी अपने पुत्र सुमति को सत्ता सौंपकर ये भी कुलहाश्रम में भजन करने के लिए आ गए। भगवान सूर्य के आनंद भक्त एक बार गंडकी नदी के तट पर खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे कि एक सिंह से भयाक्रांत मृगी गंडकी नदी के तट पर आई और छलांग लगाकर उस नदी को पार करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो नदी को पार न कर पाई। गर्भवती मृगी के गर्भ से शिशु निकल गया, बच्चा तो बच गया लेकिन मृगी मर गई। अब बच्चा जीवित पानी में डूबने लगा। भरत जी को दया आ गई, यदि मैं इस बच्चे को नहीं बचाऊंगा तो निश्चित बेचारा मारा जाएगा। नदी में कूदे और उस मृग शावक को बचा लिया, अपने आश्रम में लेकर के आए। हरी हरी घास, मल्लम पट्टी की, तो बच्चा स्वस्थ हो गया। लेकिन आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत ने राज्य क्यों त्यागा? भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन भजन तो छूटता चला गया, मृग के बच्चे में आसक्ति बढ़ती चली गई। एक दिन वह मृग शावक जंगल में अंदर भाग गया अपने सजातीय मृगों के झुंड के साथ। जब देखने की कोशिश की बच्चे को, खूब ढूंढा लेकिन मृग दिखाई नहीं पड़ा। अब तो फूट फूट कर रोने लगे, हे भगवान बच्चा कहाँ चला गया? मुझे तो ऐसा लगता है निश्चित किसी शेर व्याघ्र आदि ने उसको देख लिया, उसको पकड़कर खा गया। बड़े दुखित हुए, इतना हृदय में दुख हुआ कि मृग का चिंतन करते 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 प्राण ही त्याग दिए। और शास्त्रों में लिखा है अंते यामति सागति, अंत में आप जिसका चिंतन करके मरोगे वही बनोगे। तो मृग का चिंतन करते करते प्राण त्यागे तो अगला जन्म मृग का ही मिला। लेकिन भगवत भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भजन किया था, उस मृग शरीर में अपने पूर्व जन्म की याद बनी रही कि मैं पहले कौन था।
कालिंजर पर्वत पर निवास करने लगे। विचार कीजिए, एक मृग में आसक्ति की राजा भरत ने तो मृग शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन हमारा मन तो भैया न जाने कितनों में अटका पड़ा है। एक मृग में आसक्ति करने मात्र से मृग बने, लेकिन हमारा मन तो भैया न जाने कहां कहां पर अटका है। वो ठाकुर जी हमें न जाने क्या बनाएंगे। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने, घर घर करत सने। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह, लेकिन तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कालांतर में वह मृग शरीर भी छूटा। अगला जन्म जो भरत जी को प्राप्त हुआ वो अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ, मन प्रसन्न हो गया, अब इस ब्राह्मण शरीर से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करूंगा, अब किसी के चक्कर में फंसने वाला नहीं हूं। पहले मृग के चक्कर में फंसा सो मृग बना, लेकिन अब मैं किसी में आसक्ति रखूंगा ही नहीं। माता पिता कई भाई थे, बड़ा परिवार था। इनके पिताजी गायत्री मंत्र रटाते रटाते मर गए, लेकिन कभी भरत जी ने गायत्री मंत्र तक याद नहीं किया। गुस्से में इनके पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। इसकी बुद्धि जड़े है, किसी मतलब का नहीं है। अरे बेटा ब्राह्मण शरीर है तो कम से कम गायत्री मंत्र तो सीख ही जा। तो भरत जी कहते सिखाओ गायत्री मंत्र। तो ठीक है, पिताजी कहते हैं उनके, मैं गायत्री मंत्र बोलता हूं, तू ध्यान से सुनना गायत्री मंत्र को। ठीक है पिताजी, बोल। अब भरत जी के पिताजी गायत्री मंत्र बोलना प्रारंभ करते हैं। इधर भरत जी विचार करने लगे, यदि आज गायत्री मंत्र मैंने सीख लिया तो कल दूसरा मंत्र पकड़ा देंगे। तो जब गायत्री मंत्र पूरा हो गया तो भरत जी के पिताजी कहते हैं, बेटा गायत्री मंत्र कुछ समझ में आया? तो भरत जी कहते हैं, पिताजी जब से आप गायत्री मंत्र पढ़ना चालू किए थे ना, तब से इस बिल में 9,900 चींटियां घुस गई। मैं सबको गिन रहा था। पिताजी कहते, नालायक तू चींटी गिन रहा था कि मंत्र को सुन रहा था? जड़ भरत नाम ही रखती, इसकी बुद्धि जड़े किसी मतलब का नहीं। अब भरत जी और प्रसन्न हो गए, अच्छा है, पागलपन की मोहर और लग गई, अब कोई हमसे कुछ नहीं कहने वाला। माता पिता भी चल बसे और भाई लोग खेतों पे काम करते हैं, लेकिन भरत जी तो प्रेम से पड़े रहते हैं महाराज घर में। लेकिन भाई लोग तो कुछ नहीं कहते, लेकिन भाभियां जलने लगी। अपने पति को बादाम का हलवा घिस घिस के खिलानी तब भी डेढ़ हड्डी के हृदय चले जा रहे हैं, लेकिन इसको तो देखो सूखे टिक्कर खिला दे तब भी कैसा भैंसासा पड़ रहा है। अपने पति को भड़काने लगी, सुनो जी तुम अकेले खेत के बैल हो क्या? इसको क्यों नहीं ले जाते खेत में काम कराने के लिए? पड़ा पड़ा कैसा देखो भैंसा पड़ रहा है, इस पर भी काम कराया करो, हम इसको खाना नहीं देंगे आज के बाद। भैया लोग आए, भरत जी से कहने लगे, भैया भरत तू चल खेत पर, जो भी मिलेगा तेरे को यहीं दे दिया करेंगे, घर में तेरी वजह से बड़ी क्लेश हो रहे हैं। ठीक है भैया चलो खेतों पर रहेंगे, खेतों पर निवास करेंगे। एक बार एक चोरों के सरदार ने भद्रकाली माता से मनोती मांगी, हे भद्रकाली माता यदि मेरे यहां बेटे का जन्म होता है, अरे और लोग तो आपको पशु बलि चढ़ाते हैं, बकरे की बलि चढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। भद्रकाली माता प्रसन्न हो गई। सरदार के यहां बालक का जन्म हुआ। सरदार अन्य चोरों से कहता है, जाओ किसी को पकड़ कर लेकर के आओ। अब निकले आधी रात में चोर लोग देखने के लिए, और तो कोई मिला नहीं, खेतों पर सोते हुए भरत जी महाराज ही मिल गए। चलिए महाराज हमारे साथ, चल भैया, वो तो उठ के चल दिए। देखो जो परमहंस महात्मा होते हैं उनको अपने शरीर की जरा भी फिक्र नहीं होती, वो तो फकीर होते हैं।
फिकर सबको खा गई, फिकर सबको खा गई, फिकर की जो पीर और फिकर की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। चल पड़े भरत जी महाराज उन चोरों के साथ में। ध्यान दीजिए, जिसकी बलि चढ़ाई जाती है ना, सबसे पहले उसका स्वागत बड़ा जोरदार होता है। जब बकरे की बलि चढ़ाई जाती है तो महाराज खूब दूध से स्नान, जल से स्नान, अरे खूब महाराज पूरी कचौड़ी का बकरे को भोग लगाया जाता है। बकरा सोचता है आज मेरी बड़ी खातिरदारी हो रही है, लेकिन बकरे को नहीं पता कि तलवार तेरी गर्दन पे चलने वाली है। भरत जी महाराज को साथ लेकर गए चोर। अब इन्होंने तुम्हारा महीने भर से स्नान नहीं किए थे, तो लगा उबटन महाराज गर्म पानी से पूरा शरीर धो दिया, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाए, पूरी कचौड़ी मंगौड़ी का सुंदर भोग लगाया। भरत जी विचार करने लगे आज बढ़िया भगत हमको प्राप्त भई है, देखो कैसी बढ़िया सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं हमारी ये तो। लेकिन जब भोजन हो गए इसके बाद चोर लोग कहते हैं चलो बाबा जी अब भद्रकाली माता के दर्शन करने और चलो। भरत जी कहने लगे वाह क्या भगत मिले हैं, पहले भोजन कराया स्नान कराया अब दर्शन कराने के ताई ले जा रहे हैं, चलो भैया और अच्छी बात है। जो भद्रकाली माता के मंदिर के पास पहुंचे विग्रह के सामने सरदार कहता है बाबा जी करो माता जी को प्रणाम। जो भरत जी महाराज ने गर्दन नीचे की इस सरदार ने निकाली तलवार। जो तलवार निकाली भरत जी कहवे लगे भैया ये तलवार का ही को निकाल रहे हो, कहा बात है। सरदार कहता है मालपुआ फ्री के नहीं थे, जो अभी तक सटकाए जा रहे थे, जैसे वो सेवा तुमने स्वीकार की तो ये सेवा भी आपको ही स्वीकार करनी है। अब तो भरत जी महाराज सब समझ गए अब हमारे साथ क्या होने वाला है। भरत जी विचार करने लगे जब इतने शरीर त्याग दिए तो एक शरीर और सही क्या फर्क पड़ता है, अरे परमहंस महापुरुष तो इस शरीर को कपड़े की तरह पहनते हैं। भद्रकाली माता के चरणों में निवेदन करने लगे भरत जी महाराज। इधर सरदार ने तलवार निकाली और जो ही गर्दन पर चलानी प्रारंभ की भद्रकाली माता विचार करने लगी ये पागल सरदार एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा की बलि चढ़ाने जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। जो तलवार चलाना प्रारंभ की कि मंदिर के विग्रह में से भद्रकाली माता प्रकट हो गई। सहसोच चाट सैव देवी भद्रकाली बोल देवी मैया की जय। सरदार के हाथ से तलवार छीनी, सरदार की गर्दन काट दी, जितने अन्य चोर खड़े थे सबकी गर्दन तड़ातड़ काटती चली गई। मंदिर का पूरा दृश्य ही बदल गया। विज हारच शिरह कंदुक लीलया। भरत जी विचार करने लगे अब तलवार चलती है, अब तलवार चलती है, लेकिन तलवार का ही क्यों चले। जो सिर उठाया मंदिर का पूरा दृश्य ही जब बदला देखा विचार करने लगे ओहो साक्षात भद्रकाली माता ने आज मेरी रक्षा की है। माता को बार बार धन्यवाद देते हुए श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भरत जी महाराज फिर अपने घर नहीं गए, ऐसी डोलने लगे परमहंस बनकर। एक सिंध सौवीर देश का राजा रहुगढ़ पालकी में बैठ करके सत्संग सुनने के लिए जाता था कपिल भगवान के आश्रम में। तो एक बार चार कहार में से एक बीमार पड़ गया। अब तीन कहार कहते महाराज एक बीमार पड़ गया, अब तीन हम कहार पालकी कैसे ढोए। राजा रहुगढ़ कहता है अरे जो सामने से आता दिखाई पड़े लगा लो उसको पालकी में, और तो कोई मिला नहीं, सामने से आते हमारे जड़ भरत जी दिखाई पड़ गए। ए बाबा लग जा पालकी में, रख दो भैया कंधे पर। पालकी कंधे पे आ गई और चलने लगे। लेकिन कहारों की तो भैया एक अलग चाल रहती है, कहार सीधे देखते हैं लेकिन भरत जी नीचे देख रहे हैं, कोई चीटा चीटी बेचारा पैर से दब जाएगा मर जाएगा मुझे पाप लगेगा। जैसी आगे बढ़े पैर जैसी रखने को हुए कि क्या देखा कि पैर के नीचे चीटा आने वाला है,
उस चीटी के बचाने के चक्कर में भरत जी महाराज ने पालकी से छलांग लगाई। अब विचार करो आप लोग, पालकी ढोने वाला एक कहार पालकी में से छलांग लगा दे तो क्या होगा? पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चटाक, राजा की खोपड़ी फूट गई। अब राजा चिल्लाने लगा, हे घोड़ा रह साधु कृमृत बसुम मैयते आलम, अरे भार बाह को तुम कैसे पालकी ढो रहे हो, तुमको पालकी चलाना नहीं आता क्या? अब जो तीन कहार थे वो विचार करने लगे, इस मतवाले के चक्कर में राजा हमारी गर्दन काट देंगे। तो कहार कहते हैं, महाराज जो अभी अभी हमने लगाया है नया रंगरूड, कभी कभी छलांग भी लगा देता है, अयम अधुनैप नियुक्तोपि नद्रुतम व्रजति, जो अभी अभी नियुक्त किया है वो कभी कभी छलांग भी लगा देता है, ठीक से पालकी नहीं धो रहा है। अब राजा देखने लगा, ये कौन रंगरूड लगा है जो छलांग लगाता फिर रहा है? जो पालकी से गर्दन नीचे की तो जब रष्ट पुष्ट शरीर जब भरत जी का देखा तो राजा व्यंग के बाण चलाने लगे, ओहो कितना पतला दुबला तुमने आदमी लगा रखा है पालकी, मेरी पालकी का इसको भार हो रहा है, बेचारा ढो नहीं पा रहा है, अहो शांतो से बड़ा इसको कष्ट हो रहा है, पुनः जब कोई चीटी चीटा दिखा तो पुनः भरत जी ने छलांग लगा दी। अब तो राजा का क्रोध आपे से बाहर हो गया, प्रत्यक्ष करोमी चिकित्सा दंड पाणि देव, मतवाले ऐसा दंड दूंगा कि यमराज भी कांप जाएंगे, मैंने तेरे जैसे मतवालों को बहुत अच्छे से ठीक किया है, राजा की पालकी ढोना ना पड़े इसलिए पागलपन दिखा रहा है। जो डांटना प्रारंभ किया, भरत जी विचार करने लगे ये मुझे भला बुरा कह रहा है, और यदि आज मैंने अपनी वाणी नहीं खोली तो सत्संग की बड़ी बदनामी हो जाएगी, सब लोग कहेंगे देखो वो राजा रहुगढ़ जो नित्य सत्संग करने जाते थे वो नरकों में पड़े हुए हैं, इसलिए भरत जी बोल पड़े, या फिर इसलिए बोले आज जीवन में पहली बार वाणी खुली, या इसलिए बोल पड़े कि संत जिसका भार अपने कंधों पर रख लेता है भैया फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। राजन तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? कष्ट होता है शरीर को, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? दंड दोगे शरीर को, मैं तो आत्मा हूं और आत्मा को किसी प्रकार का सुख दुख नहीं होता, तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? जो ये बात कही रहुगण के तो कान खड़े हो गए, हे भगवान ये सब बातें तो मैं सत्संग में सुनता हूं, ये सब ये पागल क्यों बोल रहा है, आखिरकार ये है कौन? जो पालकी से गर्दन नीचे की कि भरत जी के कंधे पर मोटा सा जनेऊ दिखाई पड़ गया, ओहो ये तो कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा है, उसी समय पालकी से नीचे कूद पड़ा राजा रघुगढ़ और साष्टांग यहां प्रणाम करता है, कहता है कस्त्वं निगूढश्च रसि द्विजाना बिभर्ति सूत्रं कतमो वदूत, कस्त्वं आप महाराज कौन है, कतमो अवधूत है आप कौन अवधूत है, निश्चित आप कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा है, कृपा करके अपना परिचय दीजिए और क्षमा कीजिए महाराज मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं, इंद्र कुलश मम सूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला सो इनकर मारा नहीं मरही विप्र रोष पावक सो जर, मैं डरता हूं तो मात्र ब्राह्मण के उग्र श्राप से डरता हूं, ब्रह्म कुलाव मानात नाहम विशंके सुरराज वज्राः न दक्षशूलात नयमस्य दंडात, मैं किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो मात्र ब्रह्म कुलाव मानात एक ब्राह्मण के उग्र श्राप से डरता हूं।